अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत पहले से वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर साल 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है। इस श्रृंखला में आज राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर बीमारी पर जन जागृति करते हुए कैंसर की जाँच के लिए थर्मोटिक्स और ओरल स्कैन मशीन लाई गई है। थर्मोटिक्स मशीन का कार्य कैसे होता है, इस संदर्भ में डॉक्टर कतार सिंह द्वारा जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंफ्रारेड कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर काम करती है। इसका उपयोग स्तन के प्री मैलिगनेंट और घातक घाव को स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। यह स्तन में छोटे कैंसर के घाव का पता लगाने में 90% से अधिक सटीकता रखता है। नमस्कार सभी को, आज विश्व दिवस जो कि सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, हम शुभकामनाएं देते हैं RST रीजनल कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से। मैं डॉक्टर बीके शर्मा यहाँ पर ऑनरी कंसल्टेंट हूँ, और सबसे बड़ी बात तो है कि आज ही के दिन हम कुछ ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सभी लोग मस्त है, और इसीलिए शरीर अगर कुछ गड़बड़ करता है तो जहाँ तक सवाल है कैंसर की, तो आज हम उस दो मशीनों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसका एक का नाम है थर्मोलाइट, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो है ओरल स्कैन, जिसके द्वारा हम ओरल यानी हमारे मुँह के अंदर में कई अलग अलग बीमारियाँ भी होती हैं उसकी भी हमें जानकारी होती है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे के इस शुभ अवसर पर दो मशीनों की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह, डायरेक्टर राजसंत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस मौके पर हम कैंसर हॉस्पिटल में दो ऐसी मशीनों को आम जनता को दिखाना चाहते हैं, जिससे वो कैंसर की सही समय पर अर्ली स्टेज में जानकारी मिल सके। एक थर्मालाइटिक्स मशीन है, जिसमें हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट में होने वाले कैंसर की जानकारी ले सकते हैं। ये जो थर्मालाइटिक्स मशीन है, इसमें पेशेंट को छूना नहीं पड़ता है, पेशेंट को किसी तरह का दर्द नहीं होता है, किसी तरह का कोई रेडिएशन का भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी मशीन के द्वारा शरीर का फोटोग्राफ लेके, थर्मल कैमरे के द्वारा पिक्चर लेके, हम ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई गठान है या कैंसर पनप रहा है या शुरुआत हो रही है, ऐसी जानकारी इस मशीन के द्वारा हम ले सकते हैं। यदि उसमें सस्पेक्टेड लीजन आता है तो सोनोग्राफी द्वारा हम FNAC या बायोप्सी के द्वारा उस ब्रेस्ट में होने वाले कैंसर को प्रूव कर सकते हैं। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने शरीर की जांच करते रहें, ब्रेस्ट को हर महीने, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टेक्निक है, उसके द्वारा वो अपने खुद के ब्रेस्ट को जाँच करते रह सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के डाउट या किसी तरह कोई गठान अगर उनको लगती है तो वो सर्जन से या हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल सकते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट हैं सर्जरी के, उसमें ये मशीन है थर्मालाइटिक्स, तो इसके द्वारा भी हम उनकी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करके बीमारी है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं। ओरल स्कैन मशीन के संदर्भ में ENT स्पेशलिस्ट ओंको डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनिरुद्ध वाघ द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया कि मौखिक कैंसर के घावों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक ऑप्टिकल इमेजिंग डिवाइस है। इसके दो भाग है, एक है इंफ्रारेड कैमरा और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली वाला कंप्यूटर। यह नॉन इन्वेसिव हैंड हेल्ड त्वरित और दर्द रहित डिवाइस में है। बायोप्सी मार्गदर्शन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है और पोर्टेबल उपयोग का पता लगाने के लिए मान्य फॉलो अप में उपचार की प्रतिक्रिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध वाघ, RST कैंसर हॉस्पिटल में ENT एंड हेड एंड नेक ऑन्को डिपार्टमेंट से। हमारे यहाँ पे हमने रिसेंटली ओरल स्क्रीनिंग मशीन प्रोक्योर की है, उसका नाम है सेस्कैन करके। तो ये ऑटोफ्लोरोसेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ओरल स्क्रीनिंग आज इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तंबाकू खर्रे की वजह से ओरल कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए स्क्रीनिंग यानी कैंसर की बीमारी का जल्दी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पेशेंट का आयुष्मान बढ़ सकता है जल्दी कैंसर निदान होने से। ये मशीन ऑटोफ्लोरोसेंस टेक्नोलॉजी में हमें दिखाती है कि कैंसर कहाँ पर बनप रहा है, या फिर कौन से एरिया में सस्पेक्टेड है, या फिर कैंसर से पहले वाली स्टेज जिसको हम प्री मैलिग्नेंट लीजन्स बोलते हैं वो बन रहा है। तो ये मशीन में डिटेक्ट करके हम उसको आगे बायोप्सी लेते हैं और उससे कंफर्म करते हैं कैंसर है कि नहीं, जिससे कि पेशेंट का जल्दी इलाज होता है और पेशेंट को बहुत फायदा होकर उसका आयुष्मान बढ़ता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।